हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर सब टॉपिक के रूप में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कवर होते हैं, जैसे कि रेस अराउंड कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन, सेमाफोर और उनके सॉल्यूशन, पीटरसन एल्गो एंड देन ऑल। सो बेसिकली प्रोसेस इन सभी को समझने के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को बेसिकली समझना बहुत जरूरी है। आइए समझ लेते हैं कि होता क्या है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में या किसी पर्टिकुलर सिस्टम में बहुत सारे जॉब्स यानी बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए आते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते भी हैं। तो अगर वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो बहुत ऑकवर्ड कंडीशन रहेगी, या वो बेसिकली किसी भी तरह से डेडलॉक में फंस सकता है, किसी तरह की उसमें एरर जनरेट हो सकती है, क्रैश हो सकता है, कुछ और भी मैलिशियस फंक्शन इसमें परफॉर्म हो सकते हैं अगर उन प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज अच्छे से नहीं किया गया। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, लाइकवाइज ऑफ गिटार, टेक द एग्जांपल ऑफ गिटार। अगर मैं किसी अननोन पर्सन को जिसको गिटार बजाना नहीं आता, मैं उसको गिटार दे दूं बजाने के लिए, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा बिटवीन द कॉर्ड्स एंड अननेसेसरी वो शोर ही क्रिएट करेगा, कोई म्यूजिक क्रिएट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं उसी गिटार को किसी ट्रेंड पर्सन को देता हूं, म्यूजिशियन को देता हूं, देन वो बेसिकली उसका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करके और उससे म्यूजिक, अच्छा सा म्यूजिक क्रिएट करेगा, शोर क्रिएट नहीं करेगा। यानी अगर हमने बेसिकली प्रोसेसेस को अच्छे से सिंक्रोनाइज किया, एक सिंक्रोनाइज फैशन में, एक ऑर्डर में जनरेट किया या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू में भेजा, देन देयर विल बी बेटर रिजल्ट्स कंपैरेटिव टू कि अगर वो हम अनसिंक्रोनाइज वे में कुछ भी किसी भी ऑर्डर में भेजेंगे या किसी भी तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो जाहिर सी बात है सिस्टम के लिए भी वो एक अनवांटेड कंडीशन रहेगी, जिसमें कि सिस्टम लूप में फंस सकता है, डेडलॉक में जा सकता है या और भी कुछ सिस्टम क्रैश होने तक की स्थिति आ सकती है। तो समझ लेते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रोसेसेस होते कितने तरह के हैं। प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन होती है वो बेसिकली दो तरह से होती है, या तो सिक्वेंशियल मोड में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं या पैरेलल मोड में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। सिक्वेंशियल मोड और पैरेलल मोड। सिक्वेंशियल मोड मतलब एक के बाद एक प्रोसेस जनरेट होगा, एक के बाद एक प्रोसेस बेसिकली सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। तो जाहिर सी बात है जैसे कि नाम से पता लग रहा है एक के बाद एक जाएगा, जब यहां पर कोई क्लैश ही नहीं है तो इसका मतलब यहां पर कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ठीक है ना। तो जब एक के बाद जैसे P1 पहले एग्जीक्यूट हो गया, देन उसके बाद P2 का नंबर आएगा, देन हो सकता है P5 का नंबर आए, उसके बाद P6 का नंबर आया, उसके बाद P7 का, एंड ऑन ऐसे ऐसे अगर चल रहा है, तो सिस्टम एक बारी में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई भी प्रोसेस किसी भी दूसरे प्रोसेस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। सीधी सी बात है किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आ जाते हैं पैरेलल प्रोसेस पे, क्योंकि हम आज की डेट में, आज के एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग में हम काम कर रहे हैं। एक साथ सीपीयू एक साथ कई सारे जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है और सिमिलरली एक साथ कई सारे प्रोसेसर्स काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि कई सारे जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूशन के लिए आते ही आते हैं। इसका मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि एक ही टाइम में P1, P2, P3 एज वेल एज P4 अप टू n नंबर ऑफ प्रोसेसेस विल बी रनिंग एट द सेम टाइम। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में यानी पैरेलल प्रोसेसिंग में पैरेलल प्रोसेसेस को बेसिकली सिंक्रोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर इस पर्टिकुलर पैरेलल प्रोसेसिंग को भी कैटेगराइज किया जा सकता है दो अलग अलग तरह से पार्ट्स में, दैट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस एज नेम इंडिकेट्स इंडिपेंडेंट, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग होने के बावजूद भी वो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम ये यहां पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज आपने गूगल ब्राउजर में क्रोम में बेसिकली अपनी नेट बैंकिंग ओपन की। सपोज यू आर हैविंग 3 अकाउंट्स, इन वन इन SBI, वन इन PNB, वन इन HDFC, और आपने तीनों को सेम टाइम में साइमल्टेनियसली लॉग इन किया हुआ है एंड देन यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये अलग अलग सर्वर पर हैं, अलग अलग बेसिकली इनके ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग इनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो तीन प्रोसेसेस हैं, यानी मैं इनको P1, P2, P3 मान लेता हूं, तो ये बेसिकली P1, P2, P3 इंडिपेंडेंट प्रोसेस की कैटेगरी में आएंगे। भले ही वो पैरेलल ही रन कर रहे हैं लेकिन वो किसी भी तरह से एक दूसरे को हैम्पर नहीं कर रहे, मींस दे आर नॉट शेयरिंग एनी रिसोर्स, दे आर नॉट बेसिकली किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे किसी एक दूसरे प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि PNB का OTP लॉगिन पासवर्ड कुछ अलग है, OTP जनरेट करने का तरीका अलग है, सिमिलरली SBI का OTP अलग तरह से आएगा, HDFC का अलग तरह से आएगा,
तो ये बेसिकली अलग प्रोसेस है और आप कभी भी किसी को लॉग आउट कर देंगे तो दूसरे किसी प्रोसेस पे इसका कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। वही हम कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात करते हैं, इसके उलट पैरेलल प्रोसेसिंग में यानी कोऑपरेटिव प्रोसेस, अब आप समझ गए होंगे कि यानी दो प्रोसेस काम कर रहे हैं और वो कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं। ओके, सपोज P1 एंड P2 आर रनिंग, देन दे आर वर्किंग इन द कोऑर्डिनेशन। अब वो कोऑर्डिनेशन किसके बेस पे होगा, जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ कॉमन चीज को, किसी कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहे होंगे। ओके, जब वो शेयर रिस्क कर रहे होंगे किसी ना किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को, किसी ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, मेमोरी को, कोड को, कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो तभी वो कोऑपरेटिव प्रोसेस की कैटेगरी में आएंगे। और अगर वो शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ओके, तो जब वो यहां पर कुछ ना कुछ शेयर करेंगे देन देर आर चांसेस कि कुछ प्रॉब्लम आए। ओके, देन देर आर चांसेस कि कुछ प्रॉब्लम आए, तो उन दोनों को सिंक्रोनाइज करना बड़ा जरूरी है ताकि आगे किसी भी तरह से सिस्टम में कोई मेलिशियस बेसिकली कंडीशन जनरेट नहीं हो पाए। जो आप इस एग्जांपल को इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज कोई दो बच्चे हैं और एक बच्चा ब्लैक पेन लाया, दूसरा बच्चा नहीं लाया, ठीक है, देन दे आर जस्ट शेयरिंग दैट पर्टिकुलर ब्लैक पेन इन द कॉमन मोड। ओके, सो इफ दे विल बी क्वेरलिंग, अगर वो झगड़ा करेंगे आपस में कि पहले मैं लिखूंगा, देन देर विल बी अ प्रॉब्लम। अदरवाइज इसको, इस प्रॉब्लम को अगर सिंक्रोनाइज कर दिया गया कि ठीक है पहले एक मिनट आप लिखिए, फिर दूसरे मिनट आप लिखिए, फिर तीसरे मिनट आप लिखिए, तो जाहिर सी बात है यहां पर कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में बेसिकली प्रॉब्लम आती है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, हालांकि ये पैरेलली रन होते हैं तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि एक दूसरे पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर इंडिपेंडेंट। और सीक्वेंशियल तो बेसिकली एक के बाद एक रन कर रहे हैं, तो यहां पर तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मेजर जो फोकस होना है हमारा इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक में, दैट इज ऑन दी कोऑपरेटिव प्रोसेस। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस का कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी प्रॉब्लम्स इन दी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। इस कोऑपरेटिव प्रोसेसेस द्वारा जनरेट की जाने वाली प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमने यहां पर दो प्रोसेसेस को ले लिया है, P1 एंड P2, और यहां पर हमने एक छोटा सा कोड लिया है जो दोनों में बेसिकली दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए आए हैं। यहां पर हम पहले बात कर चुके हैं कि ये कुछ ना कुछ शेयर करेंगे तभी कुछ प्रॉब्लम होगी, तो S इज अ शेयर्ड वेरिएबल विद द वैल्यू 10, एक हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है, दैट इज एस, एंड देन इनिशियल वैल्यू उसकी 10 है। इसमें कोड में बात करने से पहले मैं आपको यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं सीपीयू शेड्यूलिंग्स में प्रीएम्प्शन की, यानी कोई भी प्रोसेस कभी भी प्रीएम्प्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन दी वेरियस फैक्टर्स, लाइक प्रायोरिटी हो सकती है, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट हो सकता है, आपने बहुत सारी एल्गोस पढ़ रखी है उसकी, तो यानी किसी भी फैक्टर के बेसिस पर सीपीयू जब चाहे किसी भी पर्टिकुलर कोड को किसी भी इंस्ट्रक्शन के बाद प्रिंट कर सकता है, यानी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को टेम्परली सस्पेंड किया जा सकता है, यानी रेडी क्यू में भेजा जा सकता है और किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लिया जा सकता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली कोऑपरेटिव प्रोसेस से प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। आइए देखते हैं, यहां पर आप कोड को समझिए पहले। P1 इज अ बेसिकली फंक्शन, एंड देन दिस इज अ कोड, एंड देन इट इज अ फंक्शन, मैंने इसको फंक्शन बोल दिया, एंड देन फंक्शन इज व्हाट डूइंग, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू एस, यानी एस की जो भी वैल्यू है इनिशियली वो एस में ट्रांसफर हो गई, देन एक्स प्लस प्लस स्लीप वन, स्लीप होने के बाद बेसिकली एस इक्वल टू एक्स। व्हाट डू मीन बाय स्लीप हियर, स्लीप का मतलब यहां पर क्या है कि सीपीयू थोड़े टाइम के लिए, यानी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, ये वाला पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो थोड़े टाइम के लिए आइडल स्टेट में चला गया, सीपीयू नहीं गया, वी कैन नॉट इवन, हम चाह करके भी सीपीयू को नहीं रोक सकते, सीपीयू अपना काम करता ही रहेगा। हाँ, हम किसी भी प्रोसेस को जब चाहे रोक सकते हैं बाय दिस पर्टिकुलर कोड, स्लीप लगा सकते हैं, या बेसिकली सीपीयू भी कभी ना कभी अपने हिसाब से उसको प्रिंट कर सकता है। तो बेसिकली अभी इस कोड को समझते हैं, सिमिलरली सेम टाइप का कोड आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, इंटीजर वाई इक्वल्स टू एस y माइनस माइनस स्लीप वन, यानी हमने इन दोनों प्रोसेसेस को बेसिकली इन द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन थोड़े थोड़े टाइम के लिए स्लीप कराया, वन का मतलब वन टाइम यूनिट तक ये बेसिकली स्लीप हुआ, सीपीयू स्लीप नहीं हुआ, बात ध्यान रखिएगा, सीपीयू स्लीप नहीं हुआ, यानी सीपीयू बेसिकली क्या करेगा, इसके स्लीप होते के साथ ही सीपीयू बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरे प्रोसेस को पिकअप करेगा, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, एंड देन सीपीयू को हम खाली रख भी नहीं सकते। आइए इसकी बात कर लेते हैं, इंटीजर x इक्वल्स टू s, सपोज p1 पहले एग्जीक्यूशन में आया, एंड देन p1 इज एग्जीक्यूटिंग इन द सीपीयू। ओके, सी इंटीजर x इक्वल्स टू s, अब एक x नाम का वेरिएबल है विच इज एक्चुअली हैविंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ s, s की वैल्यू है 10, यानी x के अंदर चला गया 10। नाउ x प्लस प्लस मतलब इसकी वैल्यू हो गई 11,
इसकी वैल्यू हो गई 11 एंड देन स्लीप 1। ये पर्टिकुलर प्रोसेस सस्पेंड हो गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे ही ये सस्पेंड हुआ, कंट्रोल चला जाएगा P2 के पास, यानी CPU विल बी टेकिंग, यहां से एग्जीक्यूशन के लिए CPU बेसिकली इसको पिकअप कर लेगा। जैसे ही इसको पिकअप करेगा, नाउ इंटीजर y इक्वल्स टू s, अब एक y एक इंटीजर क्रिएट हुआ, y के अंदर s नाम का वेरिएबल, इनिशियली s की वैल्यू क्या है, 10 यहां पर आ गया। y माइनस माइनस यानी एक वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, इसकी वैल्यू हो गई अब 9। नाउ अब ये स्लीपिंग मोड में चला गया, जैसे ही ये स्लीपिंग मोड में गया तो इसका स्लीप टाइम ओवर हो गया एंड देन कंट्रोल अगेन गोज टू दैट लाइन। ओके, जैसे ही यहां पर इसका स्लीप हुआ, सीपीयू ने बेसिकली पहले वाले प्रोसेस जो कि P1 था, जो प्रीएम्प्ट हो चुका था, उसको कंट्रोल दे दिया, उसको चार्ज दे दिया एग्जीक्यूशन के लिए। एंड देन हियर s इक्वल्स टू x, अब s में यानी s नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, x की, जो x के अंदर है, यानी 11। ठीक है, ये वाला कोड पूरा हो गया। जैसे ही ये कोड पूरा हो गया, जाहिर सी बात है P1 प्रोसेस से बाहर हो गया। नाउ किसके पास चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है जो रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं, जो कि P2 है हमारा, क्योंकि वो स्लीप मोड में चला गया था। जब ये एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, अगेन यहां से चार्ज दिया जाएगा इस लाइन पर, एंड देन नाउ s इक्वल्स टू y, नाउ s इक्वल्स टू y, y की क्या वैल्यू है, दैट इज 9, एंड देन ऑन। ये वाला प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया। अब आप देख सकते हैं s की दो डिफरेंट वैल्यूज हमें यहां पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। और ऐसा ही डिफरेंट वैल्यूज हमें देखने के लिए मिलेंगी अगर मैं P2 को पहले एग्जीक्यूट करूंगा, P1 को करूंगा बाद में एग्जीक्यूट, तब भी हमें कुछ ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा जो कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब एक कोड s की वैल्यू को अलग तरह से जनरेट कर रहा है, दूसरा कोड s की वैल्यू को अलग तरह से जनरेट कर रहा है। s क्योंकि एक शेयर्ड वेरिएबल था, इसकी वैल्यू कौन सी रखी जाएगी। और अगर आप इसकी टेक्निकली बात करें, टेक्निकली अगर हम इसको देखें, देखिए P1 बेसिकली प्रोसेस है जो कि s की वैल्यू को रिसीव करता है और उसमें इंक्रीमेंट करता है, दैट्स इट। P2 एक प्रोसेस है जो कि s की वैल्यू को रिसीव करता है, उसमें डिक्रीमेंट करता है। यानी अगर हम इन दोनों प्रोसेस को रन कराएंगे तो एक प्रोसेस इंक्रीमेंट कर रहा है, एक प्रोसेस डिक्रीमेंट कर रहा है। इसका मतलब 10 से एक बार वैल्यू होनी चाहिए 11, देन फिर से डिक्रीमेंट होने के बाद होनी चाहिए 10, वापस वहीं पर लौट आए। और अगर हम P2 को पहले एग्जीक्यूट करा रहे तो 10 से होनी चाहिए पहले 9, एंड देन फिर P1 को एग्जीक्यूट करा रहे तो फिर से हो जानी चाहिए 10। तो यानी दोनों ही केसेस में अगर हम पहले P1 को रन कराते हैं, पहले P2 को रन कराते हैं, या पहले P2 को और फिर P1 को, तो इन दोनों ही केसेस में s की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्योंकि हम इन दोनों को पैरेलली रन करा रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट स्विच करा रहे हैं और शेयर्ड वेरिएबल यहां पर यूज हो रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम। s की वैल्यू P2 जनरेट कर रहा है 9 और P1 जनरेट कर रहा है 11, विच इज एक्चुअली द प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड बाय द कोऑपरेटिव प्रोसेस। एक बार इसको वैसे रन करके देखते हैं कि हम पहले अगर P1 को रन करें और P2 को रन करें तो क्या वैल्यूज पर फर्क पड़ने वाला है। आइए एक बार इनको इंडिपेंडेंटली रन करा करके देखते हैं कि पहले P1 एंड देन P2 कंप्लीटली रन, यानी पहले P1 यहां से लेकर के यहां तक एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद P2 को चार्ज दिया जाए, तब बेसिकली क्या दिक्कत पड़ने वाली है या क्या कोई प्रॉब्लम एक्चुअली आ भी रही है या नहीं आ रही। देख लेते हैं इसको। इंटीजर x इक्वल्स टू s, s की जो भी वैल्यू थी वो x में चली गई। ओके, x प्लस प्लस यानी x में बेसिकली वैल्यू हो गई अब 11। ओके, स्लीप इक्वल्स टू 1, यानी मैं अगर इसको कमेंट भी कर दूं तो आप समझ पा रहे हैं कि क्योंकि हमें स्लीप में जाना ही नहीं है, सीपीयू बेसिकली किसी को प्रिंट कर ही नहीं रहा, वो इसी को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगा, तो हम यहां पर इन दोनों पर कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है, कमेंट लगा सकते हैं या इस लाइन को बेसिकली हटा भी सकते हैं मानते हुए कि यहां पर एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। अगेन s इक्वल्स टू s, तो s की वैल्यू हो गई है बेसिकली अब 11। ओके, जब s की वैल्यू 11 हो गई, जैसे ही ये कोड बाहर हुआ तो यहां पर भी वैल्यू हो जाएगी 11। आई होप कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ P2 में क्या हुआ, इंटीजर y इक्वल्स टू s, अब y में जो वैल्यू जाएगी s की दैट इज 11। नाउ y माइनस माइनस, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द 10 स्लीप, ये बाहर जाएगा नहीं। देन s इक्वल्स टू y, s इक्वल्स टू y यानी s में चली जाएगी अब y की लेटेस्ट वैल्यू विच इज 10, यानी अब ये चीज अपडेट हो गई, ये वाला वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज लौट आई। और अगर आप इसको पहले रन करेंगे तो पहले 10 का होकर के वैल्यू हो जाएगी 9, एंड देन 9 से फिर ये वाला वेरिएबल इस वैल्यू को रिसीव करेगा और इंक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू हो जाएगी 10। तो अगर हम इन दोनों प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंटली रन कराते हैं, बात वहीं पर आ गई, अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली रन कराते हैं तो बेसिकली किसी भी तरह से शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू पर कोई भी फर्क
नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसको बेसिकली एग्जीक्यूट करा रहे हैं इन दी फैशन की, अगर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं बीच में, तो यहां पर बेसिकली दिक्कतें आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड दी प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय दी कोऑपरेटिव प्रोसेस। एक एग्जांपल और ले रहे हैं ताकि इसको आप अच्छे से और समझ पाए कि प्रॉब्लम जो आ रही है कोऑपरेटिव प्रोसेस में, उसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। इसको के लिए हमने यहां पर एक एग्जांपल और ले लिया है। यहां पर हमने फिर से दो कोड लिए हैं, P1 एंड P2, दो लाइन के कोड हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं शेयर्ड वेरिएबल है बी, विच इज एक्चुअली शेयरिंग, दीज टू प्रोसेसेस आर शेयरिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सपोज हम इसकी इनिशियल वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, सपोज हम 4 रख देते हैं, ओके। तो बी इक्वल टू 4 हमने इनिशियली ले लिया है। अब इसको समझते हैं आराम से। यहां पर हम प्रिम्पशन वाला कॉन्सेप्ट भी अपनाएंगे, तभी यहां पर जाकर के दिक्कत होगी। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस को देखेंगे तो आंसर कुछ और आएंगे, और अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे बीच में तो आंसर कुछ और आएंगे, ठीक है। तो पहले हमने सपोज मान लीजिए कि सीपीयू ने पी1 को एग्जीक्यूशन में लिया, देन सी इक्वल टू बी माइनस 1, यानी सी इक्वल टू बी माइनस 1, नाउ सी इक्वल टू 3, क्योंकि 4 माइनस 1 3। एंड देन अब जैसे ही सीपीयू यहां पर एग्जीक्यूट कर रहा था, देन सीपीयू ने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दिया और चार्ज दे दिया P2 को, ओके। यानी अभी यहां पर C की वैल्यू जैसे ही 3 हुई, नाउ चार्ज इज गॉन टू P2 टू एग्जीक्यूट। जैसे ही अब हम P2 को एग्जीक्यूट करने लगे हैं, देन D इक्वल टू 2 इंटू B, तो D इक्वल टू 2 इंटू 4, तो D की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 4 मीन्स 8। और इस लाइन के बाद CPU ने इसको भी प्रिम्प्ट कर दिया एंड देन चार्ज दे दिया फिर से P1 को। यानी इस लाइन के बाद चार्ज दे दिया गया इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट होने के लिए। Now, B equals to C into C, 2 into C, तो B equals to 2 into C की वैल्यू थी 3, that is 6, तो finally, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद B की वैल्यू जो है वो हमें मिली है 6, ओके। ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ बाय डिफॉल्ट चार्ज विल बी गोइंग टू देयर, देन B equals to D minus 1, D की वैल्यू है 8, that is 7, तो B equals to 7, अगेन दीज टू डिफरेंट वैल्यूज आर कमिंग। So this is the problem by the cooperative process which is creating when they are sharing the common variable. और common variable को share करने में कोई problem नहीं है, लेकिन जब हम बीच में उसको basically switch कर दे रहे हैं, context switch कर दे रहे हैं, तो basically problem आ रही है। अभी हम एक काम करते हैं कि पहले P2 को execute करते हैं, then control देंगे इधर। तो अगर आप देखिए, अगर इसको P2 को execute करेंगे तो भी value इधर होने वाली है 8, उसके बाद charge दे दिया गया इधर, तो इसकी value भी होने वाली है 3, उसके बाद charge फिर इधर दे दिया, तो 8 माइनस 1 7, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली चार्ज इसके पास रहेगा 2 इंटू 3 विच इज 6। यानी अगर हम पहले P2 को एग्जीक्यूट करते हैं और इस लाइन के बाद चार्ज देते हैं इसको, तो दोनों तरफ से सेम ही आंसर आने वाला है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को पहले एग्जीक्यूट करूं, इस पर्टिकुलर कोड को बाद में एग्जीक्यूट करें, या पहले P2 को एग्जीक्यूट करें P1 को बाद में एग्जीक्यूट करें, तो आंसर कुछ अलग आने वाले हैं। आइए उनको देख लेते हैं कि वो क्या आंसर आ रहा है। आइए अब इन दोनों को इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। पहले P2 को रन कर लेते हैं। मान लीजिए P2 को रन करते हैं पहले, तो P2 को जब हमने रन किया, कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिम्प्शन नहीं करेंगे, तो D इक्वल्स टू 2 इनटू B, B की वैल्यू है 4, तो D की वैल्यू हो जाएगी 8, एंड देन B इक्वल्स टू D माइनस 1, यानी B की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 7 आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। हालांकि ये पहले जैसी आ रही है, लेकिन देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आएगा। अब B इक्वल्स टू 7 आ गया, तो यानी जहां भी B होगा उसकी वैल्यू में अपडेट हो जाएगी, ओके उसकी वैल्यू में अपडेट हो जाएगा। और अब P1 जिस भी पर्टिकुलर B की वैल्यू को पिकअप करेगा, वो ये वाली वैल्यू होगी, ना कि पहले वाली वैल्यू, क्योंकि अब ये वाली वैल्यू अपडेट हो गई है। प्रिम्प्शन में बेसिकली अगर आपको ध्यान हो तो ये वाली वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी, इसके पहले ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया था हमारा सिस्टम। अब यहां पर बात करते हैं, सी इक्वल टू बी माइनस 1, विच इज नथिंग बट 7 माइनस 1 6, सी इक्वल टू 6, एंड बी इक्वल टू 2 इंटू सी, यानी बी इक्वल टू 12। आप देख सकते हैं कि आंसर बिल्कुल बदल गया, नाउ दैट पर्टिकुलर 12 विल बी हियर ओनली। और अगर हम इस P1 को पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होने वाला है, मैं पहले वैल्यू रख देता हूं, दैट वॉज 4, तो दैट वॉज 4। अब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं पहले, तो C इक्वल टू B माइनस 1 विच इज एक्चुअली 3, C की वैल्यू हो गई 3, एंड B इक्वल टू 2 इंटू C दैट इज 6, इसकी वैल्यू जैसे ही 6 हुई, नाउ इट इज गोइंग टू बी अपडेटेड, ये वाली वैल्यू अपडेट हुई 6। नाउ P2 जो भी वैल्यू B की पिकअप करेगा वो यहां से करेगा, नाउ 6 वैल्यू विल बी गोइंग देयर, D इक्वल्स टू 12 एंड B इक्वल्स टू D माइनस 1, यानी B इक्वल्स टू 11, तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, नाउ दैट पर्टिकुलर 11 विल बी सेव्ड हियर। तो बेसिकली किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है जब हम इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस को इसमें रन करा रहे हैं। तो दिस इज हाउ द कोऑपरेटिव प्रोसेसेस आर
क्रिएटिंग दी प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इस प्रॉब्लम को ही बेसिकली बोला जाता है रेस अराउंड कंडीशन, है ना, इस प्रॉब्लम को ही बोला जाता है रेस अराउंड कंडीशन। आगे बढ़ने से पहले रेस अराउंड कंडीशन की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इन सबको एक बार रिकॉल करेंगे ताकि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हो जाए। अगर हमने रेस कंडीशन की डेफिनेशन को लिख लिया है, नाउ व्हेन वी गेट डिफरेंट आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ सेम कोड इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस, इट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। रेस कंडीशन को बेसिकली रेस अराउंड कंडीशन भी कहा जाता है। यहां पर बेसिकली प्रोसेसेस रेस कर रहे हैं एक दूसरे से कि कौन आउटपुट पहले देगा, है ना, और इसी चक्कर में बेसिकली हमारे आउटपुट गड़बड़ कर जा रहे हैं। तो हमने बेसिकली समझा क्या कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है। अभी भी सिंक्रोनाइज हमने नहीं किया है, हालांकि अगले टॉपिक में हम इसको पढ़ने वाले हैं कि क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो रेस कंडीशन इज अ कंडीशन व्हेन टू प्रोसेसेस बेसिकली एग्जीक्यूटिंग टुगेदर एंड शेयरिंग दिस सम कॉमन रिसोर्स एंड हैज प्रोड्यूसिंग सम डिफरेंट आउटपुट, और वो डिफरेंट आउटपुट की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को बेसिकली बोला गया कि ये कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की वजह से आ रही है, एंड देन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। आई होप कि आपको रेस कंडीशन समझ में आई है। थैंक यू सो मच।